सवात और काबुल बिभरने से निज़ाम ज़िंदगी थम गया। हर तरफ पानी की हुक्मरानी, शहरियों की नकल मकानी। नौशहरा के मकाम पर दरिया काबुल में पानी की सतह कम होने लगी। 2,98,000 से ज़ायद क्यूसिक करेला गुजर रहा है। खैराबाद में दरिया सिंध के संगम पर पानी का बहाव 5,00,000 क्यूसिक से ज़ायद। पानी नौशहरा रोड तक पहुँच गया। इंतजामिया की आबादी खाली करने की हिदायत। मंडा और चारसदा से गुजरने वाले दरियाओं में इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब। तख्ताबंद के मकाम पर पानी घरों में दाखिल। ख्वासा खैला के मकाम पर 1,34,000 क्यूसिक करेला गुजर रहा है। कलाब में मूस और रेला 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को बहाकर ले गया। 15 घरों पर मुश्तमिल गांव सफाई हस्ती से मिट गया। सयाह कलाब में फंस गए। खाने पीने की अशिया की किल्लत ने मुश्किलात में और भी इजाफा कर दिया। सवात में तमाम तालीमी इदारे 5 सितम्बर तक बंद। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। अपर कोहिस्तान में शराय कुराकुरम और राबता सड़कें तबाह। इलाका कुंदिया सैलाब में सबसे ज़्यादा मुतासर। 250 से ज़ायद घर तबाह। तोठी कोट गुल चपड़ कुआड़ी करंगू गांव मुकम्मल तौर पर सैलाबी रैले में बह गए। बैरते गांव झांच डोंग बाजार भी सफाई हस्ती से मिट गए। बगड़ोआ दरा में 60% घर मुतासर। लाल बांडा में लैंड स्लाइडिंग से एक शख्स जाँ बहक। वादी नीलम के इलाके केल में नाला नरेल का पुल सैलाब की नज़र। बाप बेटी पानी में बह गए। मकामी लोगों ने बाप को बचा लिया। 15 साला बेटी की लाश शरोगी पुल के करीब से मिल गई। जख्मी को एबटाबाद मुंतकिल करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। जैद घाट के मकाम पर सड़क बह जाने से सैकड़ों फुट गहरी खाई बन गई। कुंदिया में अपनी मददाब के तहत लोगों ने सड़क बनाना शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में सैकड़ों मकानात तबाह। कई सड़कें और पुल बह गए। नौशहरा चारसदा चितराल डीआई खान और टांक में बड़े पैमाने पर तबाही। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 7 अफराद जाँ बहक। मुतादिद जख्मी। 80% देहाती और 20% शहरी इलाका पानी में डूब गया। वाना टांग और डीआई खान की शाहराएं सैलाबी रैलों की नजर। चारसदा सरदरियाब के करीब गाँव के मकीन 3 रोज से महसूर। शाबड़ा शस्तौर जंगल कोरोना और दीगर इलाकों के मकीन रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन के मुंत। चारसदा में कश्ती उलटने से 4 अफराद डूब गए, 3 को बचा लिया गया। तिमरकरा में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जहां बहक। बेला कोरोना में भी लोग सैलाबी सूरत हाल के बाइस फंस गए। सियाहती मकाम कमराट में फंसे सयाहों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरियाए सिंध के किनारे शहर दरिया बन गए। चारों अतराफ तबाही की दास्तानें। सांगढ़ में सैलाब के 22,000 अफराद घर बेघर हो गए। ज़िला मोटियारी में सैलाब से कई देहात के नामों निशान मिट गए। 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से बदीन का बंगरियो गांव डूब गया। सैलाब से बच जाने वालों को सांपों और जहरीले हशरात से खतरात। मुतासरीन की खाना और टेंट ना मिलने की शिकायत। कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। नवाब शाह में नकासी याब और इमदाद की फराहमी ना होने पर शहरी सड़कों पर निकल आए। हैदराबाद के कई इलाके से अब तक बरसाती पानी ना निकाला जा सका। सीवरेज का निज़ाम बैठ गया। सैलाबी पानी की सतह तो कम हो गई लेकिन मुश्किलात कम ना हुई। राजनपुर डीजी खान तोनसा रुझान वालों की मुश्किलात जूं की तूं। राजनपुर के सैलाब से मुतासर इलाकों में पानी की सतह कम होने लगी। राजनपुर में सैलाब से तबाही के आसार नुमाया। तोनसा में सब मलिया मेट। मुतासरीन की मदद के लिए पुकार। बकर के मकाम पर दरियाए सिंध में सैलाबी नशेबी इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी। सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया। मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की वार्निंग। सैकड़ों के रहने वालों को इलाका छोड़ने का हुक्म। पाक फौज ने मुतासर इलाकों में रिलीफ कैंप कायम कर दिए। इंडस हाईवे 9 रोज बाद भी बहाल ना होने से सिंध और पंजाब का राबता बदस्तूर मुनकता। लैया में भी दरियाए सिंध बिफर गया। इंतजामिया ने ऐलानात करके लोगों को अलर्ट कर दिया। बलोचिस्तान के मुतादिद अज़ला में बारिशों का सिलसिला थम गया। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रैलों ने तबाही की कई दास्तानें छोड़ दी। तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से जहां बहक अफराद की तादाद 242 हो गई। कलई नासरान चश्मा अचोसई सरयाब कस्टम नवा कली में सैकड़ों कच्चे मकानात मुनहदिम। हजारों अफराद बेघर। मुतादिद राबता सड़कें और पुल बह गए। कलात में सैलाबी रैले से मुखलाबाद में 90% मकानात मुनहदिम। जाफराबाद सोहबतपुर डेरा मुराद जमाली
डेरा अलायार संजावी और पशीन में हर तरफ तबाही के मनासिर। कोयटा में वली तंगी डैम टूटने से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाह पर तहकीकाती कमेटी कायम। भर के मुखय्यर हज़रात को मैं गुजारिश कर रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल सैलाब मुतासरीन के दरमियान एक बार फिर मुखय्यर हज़रात से इमदाद की अपील कर दी। जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पूरे मुल्क में हज़ार से ज़ायद अफराद अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। सिंध और बलोचिस्तान में बड़ी तबाही हुई, नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। मुतासर इलाकों का फ़जाई दौरा किया, हर तरफ पानी ही पानी था। मुखय्यर हज़रात दिल खोलकर मुतासरीन की इमदाद करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाफराबाद के मुतासर गाँव हाजी अलादीनों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी कामों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और DGPDMA के सैलाब मुतासरीन की मदद और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए जारी काविशों पर ब्रीफिंग। अफवाज पाकिस्तान अहल वतन की मदद में सबसे आगे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। पाक फौज, पाक फिजाइया और पाक बहरिया की मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी एविएशन के 4 खसूसी हेलीकॉप्टर्स ने ख्वाजा खेला से कांजू कैंट सवात तक फंसे 110 अफराद को निकाल लिया। पाक फौज की जानिब से जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुतासर इलाकों में भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 212 रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए। पाक बहरिया और फिजाइया भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश। पाक बहरिया ने हेलीकॉप्टर की मदद से कंबर शहदाद कोट के घरों में महसूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया। पाक फिजाइया का भी सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब के आफ्टर शॉक्स, सब्जियों ने आवाम की चीखें निकलवा दी। मुल्क भर में सब्जियों की कीमतें आसमान पर। लाल लाल टमाटर और शिमला मिर्च की ट्रिपल सेंचुरी, प्याज की डबल सेंचुरी के बाद ट्रिपल सेंचुरी की तरफ पेशकदमी। अदरक भी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर। आलू दर्जा अव्वल 95 की बजाय 130 से 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। शिमला मिर्च की कीमत 350 रुपए किलो तक जा पहुंची। मुर्गी के गोश्त की कीमत 380 रुपए फी किलो हो गई। फल भी सरकारी रेट से 30 से 40 फीसद महंगे दामों पर रोक होने लगे। जिले इंतजामिया गिरा फरोशी रोकने में नाकाम, शहरी परेशान। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, आलमी बरादरी भी मदद को आ गई। बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 1.5 मिलियन पाउंड्स इमदाद का ऐलान। अक्वामी मुतहदा पाकिस्तान में आफत के बायस ज़रूरियात का जायजा ले रहा है। सऊदी अरब का मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान से इजहार यकजहती। तुर्की के सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रबता। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। तुर्की से इमदादी सामान लेकर जहाज कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। बारिशों और सैलाब से नुकसान, खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने महकमे रिलीफ को 2.5 अरब रुपए के इजाफी फंड्स फ्राहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सैलाब मुतासरीन को इमदाद की फराहमी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। मुतासरीन मुश्किल की इस घड़ी में तनहा नहीं, हुकूमत उनके साथ है। सैलाब जदगान की बहाली के लिए तमाम तर वसाइल ब्रूवेकार लाए जाएंगे। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। मुल्क भर में खौफनाक सैलाब ने तबाही फेर दी। फनकारता पानी सब कुछ बहाकर साथ ले गया। बलोचिस्तान की बस्तियों की बस्तियां सैलाब ने इलाकों के इलाके उजाड़ दिए। राजनपुर और तोंसा में सब कुछ मलिया मेट हो गया। चतराल दिया खान और टांक में बड़े पैमाने पर तबाही। कलाम में सैलाबी रैली ने 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों और 15 घरों का सफाया कर दिया। सिंध में चारों अतराफ तबाही की दास्तान। बच जाने वालों को सांपों से खतरा। कलाम में सैलाबी रैली ने 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को तबाह कर दिया।